हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी, वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताए, दिन भर की जो भी अपडेट थी दोस्तों, मैंने आप लोगों को पल पल की अपडेट प्रोवाइड की। अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट किया होगा तो कम से कम 10 से 12 आपको वीडियो मिले होंगे आज के, जो कि आज की न्यूज़ को लेकर थे। तो दोस्तों अभी अभी जब मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था, तो आपकी कमेंट्स में मुझे बहुत सारे एक कमेंट मिला। वो कमेंट था कि सर जो 1.5 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव है उसको लेकर कुछ बताएं, कुछ क्लियर करें, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना देता हूँ इसको लेकर भी, बिकॉज सुबह से अपडेट देते देते मैं भी थक गया था। बिकॉज आपको पता है जो भी कोई अपडेट होती है रियल एंड ऑथेंटिक, सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल जो कि आपका अपना चैनल है वहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके बारे में कि सरकार ने दोस्तों एक प्रस्ताव दिया था। सरकार ने नहीं दिया था, सरकार के वकील ने दोस्तों प्रस्ताव दिया था, कह सकते हैं सरकार ने ही दिया था। तो चंदा जी जो दोस्तों सरकारी वकील हैं, उन्होंने जब शिक्षा मित्रों के साथ बहस हो रही थी उनके वकील के साथ, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम 1.5 लाख स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनके नंबर ज़्यादा हैं। नंबर ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 60-65 वाले ही ऊपर, क्योंकि 60-65 वाले के आसपास किसी का अगर रहता है, 61 या किसी का रहता है 59 या 58 के अराउंड, तो हाई जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिनके नंबर का जैसे कि ऐसा नहीं 40-45 वालों को ले लेंगे, वो उनको रखेंगे जहाँ तक 1.5 लाख की क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी। अगर 1.5 लाख की क्वांटिटी कंप्लीट हो जाती है 58 तक, तो 58 तक के स्टूडेंट्स को वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अगर 1.5 लाख की क्वांटिटी कंप्लीट होती है 54 पर जाकर के, तो 54 तक के स्टूडेंट को वो शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव जो रखा गया था, जो कि बिना समझे और बिना सोचे शिक्षा मित्रों के तरफ से उसको जो है खारिज कर दिया गया इस प्रस्ताव को। इस प्रस्ताव ने को उन्होंने बिल्कुल भी इसको लेकर के माना नहीं, क्योंकि वो चाहते थे, उनका कहीं ना कहीं मैटर है 40-45 को लेकर, वो उनको पता है अगर वो 40-45 में नहीं करेंगे तो शिक्षा मित्रों को इससे कोई खासा फ़ायदा जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार भी कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, बिकॉज सरकार को भी पता है कि वो इतने सारे पक्ष रखने के बावजूद विज्ञापन के अलग से हम कोई भी कट ऑफ को जारी नहीं कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू लॉ बिल्कुल गलत है, और ये सरकार ने इस लॉ को तोड़ा है, तो अब सरकार खुद ही फंस चुकी है। दलीलें बहुत अच्छी पेश करें, क्वालिटी एजुकेशन आप बात करें, बहुत अच्छे तरीके से आप बोल रहे हैं कि बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत भी है, गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी भी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कोई कुछ भी कट ऑफ कभी भी रख देंगे, कोई मैटर नहीं है। अदर पेपर्स में आता ऐसा होता है कि कट ऑफ रखी जाती है, लेकिन इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर पहले से ही जारी किया गया था कि कोई भी कट ऑफ जो है वो नहीं रखी जाएगी। नोटिफिकेशन में सीधा क्लियर इन्होंने कर दिया था। तो अब कहने का मतलब है दोस्तों, मैं आप लोगों को सीधा बता देने वाला हूँ कब आएगा अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय इसका कभी नहीं आएगा, अगर मैं बताऊँ तो ऐसे चलता रहा तो अंतिम निर्णय कभी नहीं आएगा, बिकॉज कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार से मतलब सलाह मशवरा लेने के बाद ही इसका निर्णय लेगा। इसका निर्णय कहीं ना कहीं एक ही निकलता है, या तो 40-45 होगा। अगर 40-45 होगा तो सरकार तो चाहती नहीं कि 40-45 हो। अगर 40-45 होगा तो सरकार डबल बेंच में जाने की पहले से ही मंशा बना करके बैठी हुई है। अगर 60-65 पर ही कोर्ट डिसीजन देगा तो शिक्षा मित्र डबल बेंच में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भर्ती अटकेगी, और अगर भर्ती अटकेगी तो नुकसान उन लोगों को भी होगा जिन लोगों ने पेपर दिया है, और कहीं ना कहीं नुकसान उन लोगों का भी होगा जो लोग अगले पेपर की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसका बीच का रास्ता एक ऐसा ही होगा कि आप इस विज्ञापन को निरस्त करके दूसरे विज्ञापन दोबारा से जारी करें, उसमें कट ऑफ रखें और इसको आगे ऐसे ही चलने दें। तो गाइज ये था अभी जो मैं आप लोगों की अपडेट लेकर के आया था, प्रस्ताव को लेकर आप लोग जानना चाहते थे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं थका हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी में बोल गया, अगर आपको लगा हो कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूँगा। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।